सर टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दैट दिस सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी डी एंड जी एच इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल जी एच इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ जी. तो मैं यहां से लिख सकता था एंगल वन इक्वल टू एंगल और एंगल थ्री इक्वल टू एंगल. तो गिवन में ये भी चीज ऐड कर देता हूं और साथ ही साथ उसने लिखा जो बड़े ट्राइंगल एबीसी और ईएफजी हैं वो आपस में क्या है सिमिलर. अगर ये सिमिलर हैं तो सारे एंगल्स आपस में क्या होंगे और अगर सारे एंगल्स इक्वल होंगे तो साइड्स भी प्रोपोर्शनेट हो सकती सिमिलर ट्राइंगल्स की वजह से. तो हमें ये पता है कि अगर मेरे को उसने बोल दिया ट्राइंगल सिमिलर है मेरे पास टोटल छह रिजल्ट है एंगल ए इक्वल टू एंगल ई बी इक्वल टू एफ सी इक्वल टू जी. अब बड़ी मजेदार चीज सिखा रहा हूं यहाँ पे ये एंगल सी का बाइसेक्टर है मतलब वन और टू बराबर है मतलब हाफ ऑफ सी शुड बी हाफ ऑफ जी होगा. तो मतलब वन टू थ्री फोर सारे इक्वल है बस थोड़ा ज्ञान दे दिया ये काम है. फिर वो कहते हैं सी डी अपॉन जी एच प्रूव करना है सी डी कौन है ये अपॉन जी एच शुड बी इक्वल टू ए सी ए सी कौन है ये अपॉन एफ जी. तो फिर मैं इतने एफ जी ये नीचे आज एक सी डी अपॉन जी एच ठीक है सी डी अपॉन जी एच शुड बी इक्वल टू ए सी कौन है ए सी इसका पार्ट ही नहीं है ए सी इसका पार्ट है ए सी अपॉन एफ जी बात पढ़ रही है दोनों का कंक्लूजन नीचे आना चाहिए. अब आगे बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं इसी के साथ सी डी इधर भी है इधर एच डी हो गया कुछ. अब क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझ तो ये थोड़ा सा ये लास्ट में प्रूव होगा ठीक है. अब आ जाओ प्रूफ में ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बोलो एफ ई एफ जी एफ ई जी होना मुझे एफ ई जी एबीसी सिमिलर टू एफ ई जी यस और नो. तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ एंगल ए एंगल एफ के बराबर है तो एंगल घुमाया गया ठीक है. एंगल बी किसके बराबर है एंगल बी जो है वो किसके बराबर है ई के बराबर है और एंगल सी किसके बराबर है तो सी और जी अपनी जगह ठीक है समझ गए. ये क्या लिखो भाई कौन सा कॉस क्या लिखो भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर यस और नो. अब बड़ी मजेदार चीज और सुनाओ इट इम्प्लाइज हाफ ऑफ एंगल सी इज हाफ ऑफ एंगल यस और नो. हाफ ऑफ एंगल सी को लिख दू एंगल वन इक्वल टू एंगल टू और हाफ ऑफ जी को लिख दू एंगल थ्री इक्वल टू एंगल बात समझ आई रीजन बिकॉज सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ इसका ऑफ एंगल सी एंड जी एच इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल कहानी पकड़ में आ गई यहां तक सब चीजें सही. अब मैं चाहता हूं इनकी सिमिलैरिटीज फिर जाऊंगा उस पर ठीक है. आ जाइएगा पहला पॉइंट इन ट्राइंगल बीसीबी एंड ट्राइंगल एच जी बीसीबी ये एंगल है देखना बीसीबी और एच जी ये एंगल है तो डीसीबी में एंगल टू आ रहा है और एच जी में एंगल थ्री आ रहा है एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री प्रूफ अबव हमने प्रूफ किया ठीक है. डीसीबी और एच जी ई एंगल बी और एंगल ई क्या है आपस में ये सिंपल बनाने का ये फायदा होगा तो आपको क्वेश्चन देख के समझ आता क्या कह रहा है एंगल बी इधर और एंगल ई इधर यहां पे क्या लिखेंगे गिवन गिवन नहीं प्रूफ दे ये भी इसको लिख लो इसको इक्वेशन नंबर टू कह लो इसको इक्वेशन नंबर तो प्रूफ दे टू एंड प्रूफ दे समझ गए कि नहीं समझ गए. सो देयरफॉर ट्राइंगल बीसीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल तो अब जो चाहिए उसकी बात करूं चर्चा करूं
देखो दोनों में डीसी डीसी वाला कॉमन था दोनों टाइम में, एक तो वो ढलो क्या बात करेगी डीसी अपॉन उसने सीडी मांगा सीडी सीडी अपॉन इधर क्या आया जी एच इज इक्वल टू सीडी उठा लिया। दूसरा क्या एसी एसी आना दूसरे ट्राइंगल से एसी आना तो इज इक्वल टू कुछ भी और ले लो जो उस ट्राइंगल में कॉमन हो। मैं अभी लिखता हूँ थोड़ी देर सुनो सुनो वही चेक करना है किसको उठाऊ ताकि दोनों को कॉमन कर सकूं। पहली बार समझो ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया इसका सीपीडीसीडी सीपीएसटीडी रिजल्ट लेते हैं। अब आ जाओ इसके आगे एक ट्राइंगल कौन सा बेटा डीसीए एंड ट्राइंगल कौन सा एचजीए एंड ट्राइंगल अब डीसीए कौन सा ये बड़ा एचजीए कौन सा ये बड़ा ए और एफ क्या इक्वल बोलो ये क्या प्रूव्ड इन इक्वेशन नंबर। अब डीसीए में एंगल वन आ रहा है और एचजीएफ में एंगल कौन सा आ रहा है फोर ये काम प्रूव किया टू यस और नो तो देयरफॉर ट्राइंगल डीसीए देयरफॉर ट्राइंगल डीसीए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एचजीएफ कौन सी सिमिलरिटी यहां पे लिखना होगा समझ गए। अब ये हो गया अब पहले तो सीडी वाला लेना ही पड़ेगा कौन सा क्या सीडी अपॉन देख लेता हूं बेटा जी एच इज इक्वल टू अगला पार्ट कौन सा एसी अपॉन एफ जी एसी है इधर लो ये करने की जरूरत नहीं ये करने की जरूरत नहीं है इज इक्वल टू एसी अपॉन एफ जी ठीक है क्या लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर जुड़ा आपके तीनों पार्ट सॉल्व हो गए सिर्फ बेसिक सिमिलरिटी उठा। अब समझ लो एंगल एंगल सिमिलरिटी कितना रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक एंगल दिया है तो लिंक्स बन रहे हैं क्या जस्टिन वेट एवरीबडी हाँ सबको क्लियर है कवन समझ सारे चलो जल्दी नोट करो